नमस्कार, मैं हूं आपकी अपनी शैल। मेरे चैनल शैल लवी ब्लॉग पर आप सभी लोगों का स्वागत है। तो काफी दिन बाद इतना बिजी शेड्यूल था कि मैं बस चैनल ब्लॉग से डाल रही थी, तो आज मैं नर्सिंग से रिलेटेड वीडियो लेके आई हूं जो कि बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है और फर्स्ट ईयर में GNM NM एंड BSc नर्सिंग के लिए सबसे ज्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही यूजफुल होने वाला है। तो मैं बताने जा रही हूँ कि हाउ टू यूज इन आईवी सेट को कैसे यूज करते हैं, यानी कि आईवी फ्लूट कैसे लगाते हैं आईवी सेट को कनेक्ट करके। तो मैं यहाँ पे पूरा एग्जामिनेशन करके दिखाऊंगी, तो आप लोग इस वीडियो को फुल वॉच करिएगा। तो आईवी फ्लूट लगाने के लिए सबसे पहले हमें जरूरत पड़ती है इन्फ्यूजन सेट यानी ड्रिप सेट की। इसको आईवी सेट भी बोलते हैं, इन्फ्यूजन सेट भी बोलते हैं, ड्रिप सेट भी बोलते हैं। इसको तीन नाम से जान सकते हैं। यदि आपसे कोई कहता है ड्रिप सेट ले आओ तो आपको ये लगाना है, आपको कोई बोलता है इन्फ्यूजन सेट ले आओ तो आपको ये ले जाना है, आपको कोई बोलता है ड्रिप सेट ले आओ तो भी ये आपको ले जाना है। और इसके बाद में एक चाहिए होती है सिरिंज, वो कितने भी नंबर की हो, 5 नंबर की भी हो सकती है, 10 नंबर की भी हो सकती है। एंड एक आपको चाहिए आईवी फ्लूड। में आपको समझाने के लिए यहाँ पे ये छोटी बॉटल लेके आई हूँ। तो ये देखिए, ये है सिप्लोफ्लॉक्सासिन यानी सिप्लॉक्स की छोटी बॉटल है। मैं इसको लेके आई हूँ क्योंकि बड़ी बॉटल का कोई मतलब नहीं है, तो ये छोटी बॉटल से मैं एग्जामिनेशन करके आपको दिखाऊंगी। तो चलिए मैं दिखाती हूँ कि इसको कैसे कनेक्ट करना है। तो सबसे पहली बात ये है कि हमको इसमें चेक कर लेना है कि ये जो आईवी सेट है इसकी एक्सपायरी डेट क्या है, ये एक्सपायर तो नहीं हो गई है। तो सबसे पहले हमें इसको चेक कर लेना है, अगर ये एक्सपायर है तो इसको ओपन नहीं करना है, हमें दूसरी लगानी है। तो मैं करने जा रही हूँ इसको ओपन। तो ये कर लिया ओपन। तो अब मैं बताने जा रही हूं कि इसके कौन कौन से पार्ट होते हैं। तो सबसे पहले हम ड्रिप सेट को ओपन करते हैं तो कुछ ऐसा पार्ट निकलता है इस तरह से। तो हमें इसको करना है ओपन, ये पार्ट इसको बोलते हैं, यहां से जो इतना पार्ट है इसको बोलते हैं स्पाइक। तो ये पार्ट है, ये इसको यहाँ से लगाते हैं हम, ये इधर लगाते हैं या ये 4 चेम्बर बने हुए हैं इसमें कनेक्ट करते हैं। तो इस पार्ट को हमें कभी भी यहाँ पर टच नहीं करना है लगाते समय, क्योंकि इसके अंदर जो आईवी फ्लूड भरा होता है वो होता है स्टराइल्स एंड ये भी स्टराइल होता है। तो यहाँ पे हमें इसको डिसइंफेक्टेड नहीं करना है। तो इसको नहीं लगाएंगे तो तुरंत हम इसका कैप का यूज कर लेंगे, इसको कैप। और जो ये है, तो ये है हमारा चेम्बर, ये देखते हैं, ये है फ्लूड चेम्बर। यहाँ पे फ्लूड आके कलेक्ट होता है यानी फ्लूड को भरते हैं। और आप ये देख रहे हैं, ये जो व्हाइट व्हाइट सा दिख रहा है आप देख पा रहे होंगे इसके अंदर, तो ये लगा है फिल्टर। वैसे तो हमारा जो आईवी फ्लूड है वो स्टराइल है, लेकिन कहीं भी किसी भी तरह से इसमें कुछ हो ना, कुछ मटेरियल या कुछ कण आ जाए तो ये उसको छान के ही हमारे वेन्स में जाता है। तो ये फिल्टर है। तो इस फिल्टर के बाद ये देखिए, ये है सारी ट्यूबिंग, आप देख पा रहे हैं, ये है ट्यूबिंग। और यहाँ पे आप आएंगे तो ये मिलता है इसका रेगुलेटर, इसको रिंगर भी बोलते हैं, रेगुलेटर भी बोलते हैं। तो आप जो देख रहे हैं कि जो ये रोलर है इस तरह से, तो ये हमें ओपन मिलता है, जो रोलर है ये है ओपन। तो जैसे हम ये देखिए, जैसे ही ये हमारा रोलर है, ये है ओपन, तो ये सबसे ऊपर है। तो इसके बाद जैसे जैसे हम रोलर को नीचे लाते जाएंगे यानी कि डाउन करते जाएंगे, तो उस तरह से हमारा आईवी फ्लूड यानी कि कम होता जाएगा और जो ये लाइन है ये धीरे धीरे कंप्रेस होती जाएगी। तो इसको क्या करना है, लॉक करना है। अगर हमें जितनी मात्रा में फ्लूड जितनी स्पीडली देना है या कौन सी रेंज में देना है उस हिसाब से हम इसको सेट करते जाते हैं। तो जिसको हम इसको ऊपर करते जाएंगे, अप करते जाएंगे रोल को, तो उतना ये ओपन होता जाएगा। यदि हम पूरा कंप्लीटली ओपन कर देंगे तो ये फ्री हो जाएगा हमारा जो ट्यूबिंग है। इसके बाद में हम नीचे आते हैं तो एक पार्ट हमें ये मिलता है, ये है येलो पार्ट जो है वो है इंजेक्शन साइट, यहाँ से हम इंजेक्शन दे सकते हैं। एंड ये जो इसका लास्ट पार्ट होता है वो होता है कनेक्टर। तो मैं अब दिखाती हूँ कि कैसे हमें कनेक्ट करना है आईवी फ्लूड को। तो ये देखिए, मैंने कर ली है कैप को ओपन,
तो ओपन कर लिया। अब इसको यहाँ पे, इसको यहाँ से इस साइड में इस पार्ट को हमें पकड़ना है, यहाँ पर नहीं टच करना, और इसको इस तरह से घुमा के, ये जो फोर चेम्बर बने हुए हैं आपको, तो यहाँ से ये इजिली चला जाएगा। तो इस तरह से हमें राउंड करके कंप्लीटली पूरा करना है। यदि आपका यहाँ पर थोड़ा सा भी नहीं सेट होगा तो यहाँ से ये लीक करने लगेगा, तो इसलिए हमें इसको पूरा सेट करना है। ये देखिए आईवी फ्लूड यहाँ पे आने लगा है, तो इसको हम पहले ही लॉक कर लेंगे। जो ये रिंगर है इसको, रोलर को पहले ही लॉक कर लेंगे। देखिए इसमें से ये आने लगा है, तो अब हम इसको सेट करते हैं। हम यहाँ से कर रहे हैं ओपन, तो ये देखिए ये हो गया है ओपन। सबसे पहले जैसे हम कनेक्ट करते हैं तो इसमें एयर नहीं होती है, तो हम इस चेम्बर को, इसमें नहीं होता है, कभी कभी नहीं आता, तो इसको हम हल्का सा कंप्रेस करते हैं, तो इसमें ये देखिए फ्लूड भर जाता है। और इस चेम्बर को हमें पूरा नहीं भरना है, क्योंकि यदि इन्फ्यूजन ड्रिप ये हमें दिखेगी नहीं कि ये चल रही है कि नहीं, इसलिए हमें इसे हाफ ही रखना है। तो चलिए नेक्स्ट हम बढ़ते हैं। इसके बाद में इसमें रहती है एयर, तो हमें सबसे पहले थोड़ी देर निकाल देना है इस तरह से ओपन करके। तो इसको देखिए हमें ये थोड़ा सा वाटर निकाल देना है, कोई भी आईवी फ्लूड हो तो। इसके बाद में हमें करना है वीगो से कनेक्ट, ये देखिए। तो अब हम करते हैं इसमें कनेक्ट, तो सपोज दैट ये पेशेंट के वेन में लगा हुआ है, तो यहाँ पे मैंने आपको दिखाने के लिए इस तरह से इसको सेट करके रखा है कि आपको प्रॉपरली समझ में आ जाए। तो ये देखिए इंजेक्शन साइट है और ये इंजेक्शन साइट है, तो मैं इसको सबसे पहले आईवी फ्लूड का बता दे रही हूँ। तो इसको जो ये कैप है वीगो का, तो इसको यूं नहीं खींचना है, इसको ऐसे घुमाना है और इस तरह से इसको ओपन कर लेना है। और जब ओपन करना है तो हमें जो पेशेंट की ये वेन है इसके आगे प्रेस कर लेना है, ताकि जो ब्लड फ्लो हो वो बाहर की तरफ नहीं आ सके। फिर इसको हम यूं ऐसे कनेक्ट नहीं करेंगे, इसको हम हल्का सा घुमाएंगे और अच्छे से टाइटली इसको सेट कर देंगे। तो इसके बाद में हम यहाँ से छोड़ देंगे और हम जो रिंगर है उसको यहाँ से करेंगे इसको ओपन। तो इसको ओपन करेंगे ये देखिए, और यहाँ पे हमारा ये आईवी फ्लूड जाने लगेगा, ये देखिए। स्टराइल बॉटल है, इसलिए हमें जो भी ये कई बार लोग प्रिक कर देते हैं, इसको करना बहुत ही रॉन्ग होता है। इसको हमें अननेसेसरी प्रिक नहीं करना है, क्योंकि कोई भी इन्फेक्टेड नहीं करना है आईवी फ्लूड को। अगर कोई हमें इंजेक्शन इसमें डालना है तो फिर हमें मजबूरी है कि उसको प्रिक करना ही पड़ेगा, लेकिन जितनी जितनी आवश्यकता हो उतनी बार ही प्रिक करें, यूं यूं करके प्रिक नहीं करें। और अगर ड्रिप नहीं जा रहा है तो ही हम इसको प्रिक करना है, वरना अदरवाइज इसको प्रिक नहीं करना है। और नेक्स्ट चीज मैं दिखा रही हूँ कि इंजेक्शंस के साइट क्या है। तो इंजेक्शन का ये साइट है और वन साइट है और थ्री साइड है। तो इसका जो 1, 2, 3 साइड, यानी तीन तरह से कैनुला में हम इंजेक्शन लगा सकते हैं। तो सबसे पहले ऊपर से हमें ओपन करना है और यूं करना है। इसके बाद में जो फ्लूड लगा है उसको हमें इसको प्रेस कंप्रेस कर लेना है, कि ये जो फ्लूड है तो फ्लूड की तरफ इंजेक्शन नहीं जा पाए, ये वेन में जाए। तो इसको डायरेक्ट हमें इस तरह से पुश कर देना है और इसके बाद में हमें इसको कर देना है। फिर इसके बाद में हमें ये वेन को, ये सॉरी आईवी सेट को छोड़ देना है ट्यूबिंग को। इसके बाद हमें हमें डायरेक्टली नहीं निकालना, हमें यूं करके इसको इस तरह से घुमा लेना है और इसको बंद कर देना है। जब भी आईवी फ्लूड चढ़ाएं तो ध्यान रखें कि कैनुला को जो कैप है उसको दोबारा से लगा दें, क्योंकि पेशेंट को जरूरत पड़ेगी बार बार। और नेक्स्ट दूसरा स्टेप ये है कि इसके बाद में ये देखिए यहां से इसको हम प्रिक करेंगे इस तरह से, और फिर इस तरह से हम इसको, जो ये आईवी हैसेट है इसको मोड़ लेना है इस तरह से, और इसके बाद में हमें इंजेक्शन को पुश कर देना है, हो गया। और नेक्स्ट इसको डिस्कनेक्ट करके भी हम लगा सकते हैं। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा, मे बी आपको बहुत समझ में आया होगा एंड आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। आप लोग नए हैं तो मेरे वीडियो पे सब्सक्राइब कर दीजिएगा।
सो फ्रेंड, ये वीडियो आपको कैसा लगा? मे बी आपको बहुत सारी इससे हेल्प मिली होगी, बहुत सारी नॉलेज गेन किया होगा आपने। और आपको यदि स्किन से टच से आपको कैनुला कैसे लगाना है ये देखना है तो यहाँ पर मैं आई बटन में क्लिक कर दीजिएगा, लगा दे रही हूँ, तो आप लोग वहां से ओपन कर सकते हैं। एंड उसमें सारा प्रोसेस दिया हुआ कि आपको कैसे कैनुला लगाना है। तो मेरा ये वीडियो कैसा लगा मुझे बताइएगा जरूर, और आपको बहुत ही हेल्प मिली होगी। यदि आपको नर्सिंग से रिलेटेड और भी वीडियो चाहिए तो मेरे नर्सिंग मेरे प्लेलिस्ट में जाके आप वहां पे सारा नर्सिंग टिप्स से ओपन करके देख सकते हैं। आपको नर्सिंग से सारे रिलेटेड जितने भी वीडियो हैं आपको देखने को मिल जाएंगे। उसमें से इंस्ट्रूमेंट के भी वीडियो हैं एंड थ्योरिकल वीडियो भी हैं एंड प्रैक्टिकल वीडियो भी मिल जाएंगे। तो इसी तरह से मैं आप लोगों के सामने वीडियो लाती रहूंगी एंड आपका नॉलेज बढ़ाती रहूंगी। और बने रहिए मेरे इस चैनल के साथ में, सेल रवि ब्लॉग के साथ में। अगर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा एंड लाइक जरूर करिएगा। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स।